नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां पर कल जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद आज सुबह मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम में आना सौभाग्य की बात है। हर जगह से मिट्टी इकट्ठी हो रही है, यह हमारी एकता को दर्शाती है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के बारे में क्या कहा। यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आजादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हो, स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य है गोरखपुर महानगर की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर मुझे यहाँ पर गोरखपुर की माटी को इस अमृत कलश के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर के हर नगर निकाय से, हर विकास खंड से ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आज़ादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है, उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहाँ पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी ये कलश वहाँ एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुंचेंगे। फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से दो दो कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से दो दो कलश जाएंगे, तो एक कलश लखनऊ में और एक दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज़ादी के अमृत काल के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए माटी को नमन और वीरों के वंदन के साथ आगे बढ़ेगा। प्रदेश के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, मैं इसके लिए गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम सफलतापूर्वक माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस भाव को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज़।